नमस्कार, स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश शिगवानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। दमोह में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे शिवराज ने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार को लेकर कोई मतभेद नहीं और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासन काल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाड़ी लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहां विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जैन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से, शानदार वोटों से। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दमोह विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। दमोह में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे शिवराज ने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार को लेकर कोई मतभेद नहीं और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुबह दमोह पहुंचे, उनकी मौजूदगी में बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ नजर आए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोविड संक्रमित के मामले में सोमवार को इंदौर में नया रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें, 3,751 सैंपल की जांच में एक ही दिन में 628 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में बड़ी तादाद में नए मरीज मिलने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, इंदौर में लगातार पांचवें दिन 600 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। इसके अलावा संक्रमण दर की अगर बात करें तो 16.4% रही। पिछले 5 दिनों में 3,071 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि सोमवार को 367 मरीजों ने कोरोना को मात दी और स्वस्थ होकर घर पहुंचे। 2 लोगों की मौत भी हुई। इस तरह से शहर में इस बीमारी से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 950 के पार जा चुका है। प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। कोविड संक्रमित के जो मामले हैं उसमें सोमवार को इंदौर में नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इंदौर की तो इंदौर में भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 3,751 सैंपलों की जांच में एक ही दिन में 628 नए मरीज मिले। इंदौर में बड़ी तादाद में नए मरीज मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, इंदौर में लगातार पांचवें दिन 600 से ज्यादा संक्रमित मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं। होली के दिन की अगर बात करें तो इंदौर में कोरोना विस्फोट हुआ है। रिकॉर्ड 628 नए संक्रमित मिले हैं। कोविड संक्रमित के मामले में सोमवार को इंदौर में नया रिकॉर्ड बना। 3,751 सैंपल की जांच में एक ही दिन में 628 नए मरीज मिले।
भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले चार दिन से 450 के ऊपर बनी हुई है। होली के दिन भी शहर में करीब 3,200 सैंपल की जांच की गई और इनमें 497 मरीज मिले। भोपाल में संक्रमण किस कदर फैला है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे सैंपल की जांच में करीब 15% पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि प्रदेश की औसत संक्रमण दर फिलहाल 10% के आसपास है। होली का दिन होने के बाद भी शहर के बड़े निजी और सरकारी अस्पताल में कोरोना के सैंपल लिए गए। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि सभी जगह को मिलाकर करीब 3,200 सैंपल की जांच की गई। इनमें RT-PCR तकनीक से रविवार को लिए गए सैंपल भी शामिल हैं। सोमवार को मिले मरीजों के साथ ही अब भोपाल में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इनमें करीब 70% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं MP के जबलपुर में कोरोना महामारी का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे के भीतर 148 नए मरीज सामने आ चुके हैं। अस्पताल में उपचारत दो मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राहत की बात है कि इस अवधि में महामारी से जंग जीतकर 102 लोग आइसोलेशन से मुक्त हुए। सोमवार को मिले नए मरीजों को मिलाकर कोरोना से अब तक 18,844 लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 17,407 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को दो और मरीजों की मौत के बाद जिले में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 264 हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 5,64,000 किसाना नो 4,624 करोड़ रुपए की कर्जा राहत दी गई। 4 वर्या तो किसाना नाल कीते वादे निभा रही कैप्टन दी अगवाई वाली पंजाब सरकार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे से ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अब एक बार फिर से नया आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2020 को बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद किया जाए, लेकिन अब आज लिए गए निर्णय में 15 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। भोपाल से एक पत्र जारी किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय गोयल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पहले जो आदेश जारी किए गए थे उसी को लेकर आज चर्चा की गई। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण होगा। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी रायपुर ने कोरोना के बचाव एवं रोकथाम को लेकर धारा 144 लागू किया हुआ है। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन में अनिवार्य रहना होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि अन्य राज्यों से जिला रायपुर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्ति पर 7 दिवस होम क्वारंटीन की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक भ्रमण और मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा। रायपुर जिले में 58 शासकीय चिकित्सालय और केंद्रों में कोरोना के जांच और निःशुल्क वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। इसी तरह से 57 निजी चिकित्सालय में कोरोना के सशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। भोपाल की करौंद आज और कल तक के लिए खुली रहेगी, फिर 1 से 4 अप्रैल तक लगातार बंद रहेगी। लगातार आपको बता दें, त्योहार अवकाश, लॉकडाउन और बैंकों की क्लोजिंग के चलते करौंद मंडी बंद रखी जाएगी। इसे लेकर व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को अवगत करा दिया है। मंडी आज और कल खुली रहेगी, इसके बाद मंडी एक बार फिर से बंद हो जाएगी, जो कि 5 अप्रैल को खुलेगी। अनाज व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरीश कुमार ज्ञानचंदानी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते यह फैसला लिया गया है। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिए जारी प्रतिबंध को और सख्त कर दिया गया है। सरगुजा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जारी आदेश में कहा कि सरगुजा जिले में आवश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एरोड्रम थाना क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना सामने आई। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने एक निगम कर्मी के घर में फायरिंग की, जो दूसरी मंजिल पर लगी खिड़की में लगी। वहीं घटना के बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जितेंद्र चौहान एक जानलेवा हमले के मामले में गवाह है, जिसे गवाही नहीं देने के लिए पिछले दिनों धमकी मिली थी। इस वारदात को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। जितेंद्र चौहान है, इस एसटी पैलेस में रहते हैं। इनके द्वारा अभी 100 नंबर पे सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ किसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। उसी बात को लेकर यहाँ जांच की जा रही है। इनकी खिड़की का एक कांच टूटा है, थोड़ा टूटा है, उसमें इनके द्वारा एक ब्लड दी गई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि रात को 1 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने फायर किया है। सर कितने फायर हुए हैं सर अभी तक? एक सिंगल फायर, एक गोली चलने का इनके द्वारा बताया गया है जिसकी। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।